हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार भारद्वाज आज आपका स्वागत करता हूँ माई प्लांट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है सरसों के ऊपर है। ये मैंने सरसों का साग जो अपने घर के अंदर लगाया है ऑर्गेनिक, ये जो ये वाली क्वालिटी है आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी है। इसके अंदर पत्तेदार जो सरसों है ये वाला, इसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा मुलायम होते हैं तो इसकी जो ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने ये ऑर्गेनिक ढंग से अपने घर के अंदर लगाया। मैं इसको आज लगाने के बारे में बताऊंगा। ये मैंने थोड़ा सा पहले लगा के इसका प्रोसेस चेक किया था और इसके बाद से फिर से मैंने इधर वीडियो बनाई है। मैंने नहीं देखे ये वाला, ये जो जर्मिनेट हो रहा है इसके ऊपर मेरी वीडियो है। ये वाला साग जो मैंने पहले आपको दिखाया है कैसे लगाना है, आपको अगर जानकारी लेना चाहते हैं आप मेरा पूरा वीडियो देखें। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे मैंने सरसों लगानी है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं आपने, हमने सरसों का साग जो कट कर लिया है एक बार। अब क्या है कि हमने यहाँ से दो बारी साग हमारा दो टाइम कट हो चुका है और तीसरी बारी अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी जो अभी साग जर्मिनेट होगा तो उसमें इतने ज़्यादा अच्छे पत्ते नहीं होंगे। तो क्या है कि अब मैं इसको नए सिरे से लगाने वाला हूँ, इसके अंदर बर्मी कंपोस्ट वगैरह ऐड करके। अभी मैं इसको उखाड़ के यहाँ से ऐसे इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको इकट्ठा करेंगे हम बर्मी कंपोस्ट के लिए, हमारे जो घर के अंदर ही घर देसी खाद जो तैयार करते हैं उसी के लिए। दोस्तों ये वो सरसों लगाने वाली जगह है, आप देख सकते हैं मैंने इसको तैयार कर लिया है। इसके अंदर छोटी छोटी लाइनें लगा ली है मैंने, जिसके अंदर मैंने सरसों इसके अंदर लगानी है। जो सरसों लेके आया हूँ मैं लगाने के लिए वो इस तरह की है, ये देख ली, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में पत्तेदार सरसों है। ये उसके सीड हैं जो मैंने इस पैकेट से ले लिए हैं कट करके। तो जो मैंने यहाँ से वेस्टेज निकाली थी बर्मी कंपोस्ट के लिए, तो इधर ये रही, इसको मैं बर्मी कंपोस्ट के डिब्बे में डाल लूँगा। आपने एक एक सीड करके इसके अंदर बिछाना है, तो इसके बाद में इसको कवर कर देना। आपको बिछाने का तरीका मैं बता ही दूँगा कि किस तरह से लगानी है। ये इस तरह से एक एक सीड एक एक दो दो इंच के इन फासले से आप लगा दें, क्योंकि इसका जो अगर दो इंच की फासला रहेगा तो इसके जो पत्ते की ग्रोथ होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, इसको फैलने में जगह मिलेगी। फिर इसके बाद आप इसको वाटरिंग कर सकते हैं।